पांच साल में चार आईपीओ लाने की योजना है। इसकी जानकारी देते हुए योग गुरु स्वामी रामदेव ने और क्या बताया, हमारे संवाददाता अमरीश पांडे ने स्वामी रामदेव से खास बातचीत की है। पतंजलि ग्रुप की विस्तार की बड़ी योजनाएं हैं और योजनाओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं स्वामी रामदेव। सर, सबसे पहला सवाल, पांच साल चार आईपीओ, क्या होगी पूरी रूपरेखा? देखो, मैंने जब से भाई अनिल जी को ये इंटरव्यू दिया था जी बिजनेस पर, तब से पूरे सोशल मीडिया में, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में वायरल हो रखा है। और ये कोई मेरी कोई घोषणा नहीं है, मैं तो कहता हूँ जो मैंने बोला है वो तो अभी दसवां हिस्सा ही बोला मैंने, 90% तो अभी मैं मौन हूँ। अब क्योंकि मेरी, मुझे बात बेबाकी से कहने की आदत है, क्या करूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको मुखर स्वर में जरूर बोला है। लेकिन आने वाले 5 से 7 सालों में तो जो मैंने अलग अलग कंपनियों के एबिटा की बात की है कि पाम प्लांटेशन का एबिटा 2 से 2.5 हजार करोड़ रुपये होगा, फूड का एबिटा 1000 से 1500 करोड़ होगा, न्यूट्रासिटिकल का एबिटा 500 से 1000 करोड़ होगा, और जो है बाकी जो ट्रेडिशनल उसका जो बिजनेस है उसका एबिटा 1500 से 2000 करोड़ रुपये होगा। आप यदि टोटल देखेंगे तो 5 से 6 हजार करोड़ का एबिटा यदि आप मध्यम गिने तो भी 50 का मल्टीपल गिनते हैं, तो यदि 5000 करोड़ का एबिटा और 50 का भी मल्टीपल गिनो तो कितना होता है, 2.5 लाख करोड़ की कंपनी होती है एक ही कंपनी। बाकी जो चार आईपीओ जो नए लाएंगे उनका तो एक नया साम्राज्य खड़ा होगा। तो ये इस भारत के जो आर्थिक प्रगति का, आर्थिक विकास का जो एक नया आयाम हमें गढ़ना और चढ़ना है, भारत को जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी नहीं, मैं तो कहता हूँ भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति के रूप में जो खड़ा होना है, उस दिशा में पतंजलि की विनम्र सेवा है। अभी तो बड़े बड़े हमें हिमालय खड़े करने हैं प्रगति के यहाँ।